वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ ब्लैक एंड डेकर का हैंड टूल सेट, जिसमें 126 पीस है और इसका प्राइस है जो कि जैसा कि आप देख सकते हैं 2842 इसका ओरिजिनल प्राइस है, लेकिन ये मेरे को पड़ी है ओनली 1700 में जो मैंने अमेज़ॉन से परचेस की है। ये रहा इसका बॉक्स। बॉक्स की क्वालिटी की बात करूँ तो इसका मटेरियल इतना हार्ड क्वालिटी का नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं शिपिंग के टाइम पे यहाँ पे डैमेज हो गया है, यहाँ से भी अंदर दब के आइए कोने से भी। ये देखिए, और क्वालिटी भी इतनी हार्ड क्वालिटी नहीं है, सॉफ्ट क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया गया है। तो चलिए इसको अभी ओपन करके देखते हैं। वन बाय वन इसमें से हर चीज़ को निकाल के बताता हूँ आपके क्या क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है 3 मीटर का मेजर टेप, इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं। ब्लैक एंड डेकर तो क्वालिटी के मामले में एक नंबर है। स्मूथनेस देखिए आप कितनी स्मूथ है, यहाँ से आप इसको लॉक भी कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद देखते हैं क्या मिलता है अपने को बॉक्स के अंदर। ये एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक टेप, इसके बाद इसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, तो चलिए इसको रख देते हैं। फिर यहाँ है अपने पास एक लॉन्ग नोस प्लायर, जैसा कि आपकी क्वालिटी देख सकते हैं, एकदम प्रीमियम क्वालिटी का बना हुआ ये हार्ड मटेरियल से एकदम। ऊपर देखो इसके ब्लैक एंड डेकर की ब्रांडिंग भी दी हुई है यहाँ पे। और क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी में ब्लैक एंड डेकर ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, ग्रिप भी बहुत अच्छी लग रही है इसकी। तो चलिए इसके बाद देखते क्या है, इसको रखते हैं। ये इसके ऊपर है एक और एक प्लेयर, नॉर्मल प्लेयर, इसकी क्वालिटी देखिए। मैंने आपको पहले ही कह दिया कि क्वालिटी के मामले में ब्लैक एंड डेकर एक नंबर कंपनी है, आप आग बन करके ट्रस्ट कर सकते हैं। ये एक अमेरिकन कंपनी है, इसकी क्वालिटी भी देखिए। यहाँ पे एक वायर कटर के लिए भी दिया हुआ है शार्पनेस देखिए। और चलिए इसके बाद देखते क्या है अपने बॉक्स में, इसको रखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये है एक अपना हैंडसॉ, जो दिखने में इसका लुक, इसका मटेरियल इतना हार्ड मटेरियल नहीं है, लेकिन हाथ में फील पकड़ने में प्रीमियम फील आ रही है, ठीक है। जिससे ये अब इसकी ब्लेड भी चेंज कर सकते हैं, हार्डवेयर से ब्लेड लेके नवी। तो चलिए इसको भी रखता हूँ, आगे आगे का कुछ दिखाता हूँ आपको। इसके बाद बॉक्स में हमें मिलता है एक एडजस्टेबल रेंच, जैसा कि इसकी क्वालिटी अगेन बेस्ट क्वालिटी है, और इसकी साइज़ है 8 से लेकर 200 mm तक, यानी इसका मुंह 200 mm तक का खुलता है। ये जो इसका मुंह है 200 mm तक का खुलता है। इसकी बेस्ट पार्ट ये है कि मतलब आपको सब पाने एक ही में मिल जाते हैं। नॉर्मल क्या होता है कि आपको 10 का पाना अलग, 10 12 का पाना अलग, 13 14 ऐसा, मतलब अलग अलग पाने लगे घूमना पड़ता है सेट। उसमें आपका बॉक्स भी हैवी हो जाता है और आसान मिलते ही नहीं है कभी ज़रूरत के टाइम पे। तो ये क्या है कि एक ही चीज़ में सब हो जाता है। 10 का पाना चाहिए छोटा कर दिए, ज़्यादा बड़ा का चाहिए, 13 14 का चाहिए थोड़ा बड़ा कर दिए, ऐसा करके आप कोई भी नट के हिसाब से इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसका रिंग देखिए क्या मस्त घूम रही है इजीली। तो चलिए इसको रख के देख सकते हैं और आगे देखते हैं बॉक्स में क्या है। आइटम है एक LED फ्लैशलाइट, जिसकी बिल्ड क्वालिटी तो एल्युमिनियम बॉडी है, इसको चालू करके देखते हैं। अच्छा, इसमें बैटरी नहीं है शायद। बैटरी की जगह दी है लेकिन बैटरी नहीं है इसके अंदर, दो डबल ए बैटरी लगेंगे इसके अंदर, दो नहीं सॉरी तीन ट्रिपल ए बैट स्मॉल बैटरी आती है जो वो लगेंगी। सो हो 9 LED, यानी बहुत पावरफुल रहेंगे। तो
तो चलिए इसको बाद में टेस्ट करके देखेंगे, बैटरी अभी फ़िलहाल मेरे पास है ही नहीं सामने। टॉर्च के बाद वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते क्या है। ये देखिए बॉक्स में अभी आपको मिलती है एक हैमर, इसकी क्वालिटी तो मैं आपको हर बार बार इसकी तारीफ़ करते करते थक गया हूँ। ब्लैक एंड डेकर की इतनी प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाते हुए आपको हाथ में ग्रीप देखिए, ऐसी इतनी प्यारी ग्रीप है, ऐसा कि इसको मारे तो हाथ में बराबर बस बैटरी है। क्वालिटी में एक नंबर, 10 out of 10। और जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं, वीडियो में शायद आपको अंदाजा ना हो लेकिन जब ये हाथ में आप पकड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसी क्वालिटी है इसकी। तो चलिए हैमर तो हो गई, अब आगे बढ़ते हैं, इसको वीडियो में देखते हैं क्या क्या है और बॉक्स के अंदर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी ये देखिए एलेंकी से अपने को मिलती है डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5 और ये 6, अलग अलग साइज़ की अपने को एलेंकीज मिलती है जो भी बहुत यूज़फुल है। इसकी क्वालिटी आपको निकाल के दिखाता हूँ, हार्ड क्वालिटी है, मेरे हिसाब से ये घसना नहीं चाहिए। इसको यूज़ करके देखूँगा बताऊँगा फिर आपको कैसा है। नॉर्मली तो मेरे को दिखने में तो एकदम हार्ड मटेरियल लग रहा है, जो नॉर्मल क्या होता है कि अपन जो हार्डवेयर से शॉप से सस्ती वाली लेते हैं तो वो एक आध बार इस्तेमाल करने के बाद इसका जो नट का ये जो लाइन्स है ये घस जाती, पूरा राउंड हो जाता है, जो इस्तेमाल में नहीं आती फिर एलेंकीज। ये दिखने में तो हार्ड मटेरियल की लग रही है, होप के अच्छी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में देखते हैं और क्या है बॉक्स के अंदर। यहाँ पे देखिए ये दो स्क्रू ड्राइवर्स अपने को मिलते हैं मैग्नेटिक है, वो भी देखो चिप ये बहुत यूज़फुल है, मैग्नेटिक है पूरा। ये बस नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर है, क्वालिटी भी अच्छी है, ग्रिप अच्छी है दोनों की, सॉफ्ट रबर मटेरियल जो कि पकड़ने में बहुत इजी होता है, हाथ दुखेंगे नहीं पकड़ने में इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी एक स्क्रू ड्राइवर ही है जिसमें आप अलग अलग साइज़ के आगे का जो हेड आते हैं अलग अलग लगा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के। इसी क्वालिटी भी वैसी चाहिए, अच्छी क्वालिटी का चाहिए भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है अपना एक नॉर्मल टेस्टर जो मार्केट में मिलते हैं, उससे थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, इसका लुक मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। बाय द वे आपको कैसा लग रहा है आप बताएं कमेंट करके, और अगर वीडियो मेरा हेल्पफुल लगता है कि तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इसके बाद बॉक्स के अंदर है एक कटर नाइफ, इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं एक नंबर क्वालिटी है इसकी भी, और बिल्ड क्वालिटी के अलावा इसमें इसका ये जो साउंड है बहुत प्यारा लग रहा है मुझे, और पकड़ने में भी एकदम हार्ड ग्रिप पकड़ सकते हैं इसको, कुछ भी हार्ड चीज़ काटना है तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो, वायर वगैरह। जैसा कि आप इसकी बिल्ड क्वालिटी देख सकते हैं ओवरऑल एक नंबर है, स्मूथनेस इसकी और ब्लैक एंड ऑरेंज का कॉम्बिनेशन तो लाजवाब है। तो चलिए और देखते हैं क्या है। इसके बाद देखिए ये क्या है, ये है डिफरेंट डिफरेंट नट का सेट जो कि आप ये थर्ड वाले स्क्रू ड्राइवर में फिट करके इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल है ये, कुछ और खास चीज़ नहीं है, इसको भी चलो रखता हूँ आगे बढ़ते वीडियो में। के बाद आप देखिए ये है अपना थर्ड स्क्रू ड्राइवर जो मैंने बताया था आपको, ये वाला उसके आगे के हेड है, यानी आपको डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के स्क्रू के हिसाब से आप अलग अलग हेड लगा सकते हैं, कस्टमाइजेबल है। मतलब यहाँ पे आपको मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के स्मॉल स्क्रू ड्राइवर्स जो कि बहुत यूज़फुल होते हैं, कुछ छोटी मोटी घड़ी वगैरह कुछ खोलना रहे, कुछ भी छोटी चीज़ खोलना रहे उसके लिए बहुत इस्तेमाल की चीज़ें है। तो चलिए और देखते क्या क्या इसको रखते हैं। इसके बाद है बॉक्स के अंदर एक और एक डब्बा, डब्बे में डब्बा। अब ये डब्बे में छोटी छोटी ऑर्गेनाइज़र, छोटी छोटी चीज़ कुछ भी रखना है उसके लिए ऑर्गेनाइज़र, इसको खोल के देखते हैं अंदर क्या क्या है। अंदर देखो नॉर्मली हुक वगैरह दिए हैं छोटे छोटे, और यहाँ पे भी हुक्स है डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के, नट स्क्रू खिले विले है,
बॉक्स अच्छा है अगर छोटी छोटी चीज़ रखना रहे उसके लिए। गाइस उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आप भी ये परचेस करने की सोच रहे हैं ब्लैक एंड डेकर का हैंड टूल सेट, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। और आपको इस टाइप की वीडियोस और चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूँगा ऐसे वीडियो ज़रूर लाने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए, बाय बाय।